नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा सोया मिल्क के बारे में। सोया का दूध मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कंट्री में बहुत पॉपुलर है, कहीं कहीं तो दूध से भी ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे थाईलैंड है, चाइना में बहुत सोया यूज़ होता है, सोया का दूध पिया जाता है। और मैंने देखा है आज धीरे धीरे सोया की जो प्रोडक्ट है, सोया का जो दूध है, ये काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। अमेरिका में भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट में काफ़ी कोलेस्ट्रॉल होती है, काफ़ी फैट होता है, तो इसलिए उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है। स्किम्ड मिल्क यूज़ करते हैं तो नो प्रॉब्लम्स, दूध जो भी चीज़ दूध का लेंगे स्किम्ड मिल्क का होना चाहिए। पर लोग बोलते हैं, सर अगर मुझे दूध थोड़ा क्वांटिटी में लेना है तो क्या करूँ? मैं बोला सोया मिल्क आप ले लो। सोया मिल्क करते क्या है, सोया की दाल होती है, उसको लिया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है थोड़ा, उसमें उसके कुछ टॉक्सिन्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद उस दाल को हीट करके उसको पानी में मिला के उसको थोड़ा सा रिफाइन किया जाता है। उसके बाद वो डीफैटेड सोया भी मिलती है और नॉर्मल सोया भी मिलता है, जिसको पानी में मिला के सोया दूध बनाया जाता है। आजकल बाजार में पैक्ड वे में बहुत सारे सोया मिल्क के पाउचेस मिलते हैं। तो सोया में सबसे बड़ा फायदा, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कि उसमें कोई जानवर का पार्ट नहीं है। 7 ग्राम प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स है। और इसमें करीब 1.5 से 2 ग्राम तक का फैट होता है, अगर डीफैटेड लेंगे तो और भी कम हो सकता है। तो सोया मिल्क में फैट बहुत कम है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, प्लस इसमें सारे तरह के विटामिन, कैल्शियम बहुत अमाउंट में मिलता है और विटामिन बहुत अमाउंट में मिलता है। तो इससे हड्डी को भी बड़ा फ़ायदा मिलता है, इम्यून सिस्टम को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि प्रोटीन बहुत जा रही है। सोया को लिया कैसे जाए? सोया का बहुत सारे आदमी को उसकी खुशबू ठीक नहीं लगता है, तो इसके लिए उसको फ्लेवर्ड मिल्क भी मिलता है सोया का, तो फ्लेवर्ड मिल्क ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? कॉर्नफ्लेक्स के संग दूध के जगह कॉर्नफ्लेक्स में सोया मिल्क ले सकते हैं, स्मूदीज में ऐड कर सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं सोया का, बहुत सारा कॉफ़ी बन सकता है सोया का, बेक्ड गुड्स में भी आप सोया का मिल्क यूज़ कर सकते हैं। तो सोया बहुत सारे तरीके से यूज़ किया जा सकता है सोया का दूध, तो आप सोया का दूध मैं इनकरेज करना चाहता हूँ। और बहुत सारे कंट्री में सोया बहुत आराम से मिल जाता है। आजकल सोया के प्रोडक्ट्स न्यूट्रेला के हिसाब से मिल जाती है, सोया के प्रोडक्ट के टोफू आजकल मिलने लग गई है, तो आप सोया लीजिए। सोया इज़ अ गुड प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन को रिप्लेस करता है। आजकल सोया का चाप भी मिलता है, आपको मालूम है, चाप बाज़ार में मिलती है, पर उसको लोग फ्राई करते हैं, उसको आप फ्राई नहीं कीजिए, उसको रोस्ट करके खाएंगे, तो वो भी सोया काम का चीज़ है। तो सोया गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, नो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट, ये सारे तरफ से फ़ायदा हो सकता है। तो आप सोया दूध को जितना ले सकते हैं उतना ले सकते हैं। मैं समझता हूँ अगर 200 या 300 ग्राम सोया का मिल्क आप एक दिन में ले सकते हैं, तो हार्ट के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा और आपके हेल्थ के लिए भी फ़ायदा होगा। आज यहीं पे रोकते हैं। मैं डॉक्टर बिमल छाजड़ हार्ट का ट्रीटमेंट करता हूँ बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी के, और हमारे इंडिया भर में करीब 100 से ऊपर सेंटर चल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग एजुकेट करते हैं हार्ट के पेशेंट्स को। हमारे वीडियोस हार्ट के ऊपर बहुत सारे हैं यूट्यूब में, उनको ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को सोया मिल्क के बारे में आप ज़रूर इसको प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच।